Hi friends, I'm Chandan Kumar from Bihar. मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ वो इंग्लिश से रिलेटेड है. इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है, ये शौक होता है, अरमान होता है, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश कि किसी से मैं इंग्लिश में बात कर पाता. पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश का क्लास भी करता है, ट्यूशन भी पढ़ता है, पर वो सीखता भी है पर वो बोल नहीं पाता है. व्हाट्स द रीज़न? अच्छा, क्या कारण है? दोस्तों, इंग्लिश आज की दौर में एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जो पूरे विश्व में बोली जाती है. इंग्लिश के बिना आप किसी भी सेक्टर में आप जाइए, आपको इंग्लिश के बिना कोई काम ही नहीं होगा. बहुत सारे इतना मतलब इंग्लिश नहीं आता है, मतलब आपकी पहचान अधूरा है. आपको अपनी पहचान बनाने के लिए आपको इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. आपको इंग्लिश आना ही चाहिए. आज की दुनिया में, आज आधुनिक मॉडर्न भारत की, या मॉडर्न भारत छोड़िए, पूरे विश्व में आप कहीं भी जाइए, बिना इंग्लिश का आप बिल्कुल अधूरा है. इसीलिए दोस्तों, कुछ भी कीजिए पर इंग्लिश सीखिए. और किस बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश सीख भी लेता हूँ पर बोल नहीं पाता, इसका क्या रीज़न है? दोस्तों, इसका कोई रीज़न नहीं है. मैं भी कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता, बस 2 महीना से मैं क्लास कर रहा हूँ इंग्लिश का, और मुझे गर्व है उसे टीचर पे. मुझे इतने अच्छे टीचर मिले हैं दरभंगा में. बिहार दरभंगा के रहने वाला हूँ. और मेरे कोचिंग एम कुमार, मेरे कोचिंग का नाम है एम कुमार, मैं उन्हीं के पास क्लास करता हूँ. दोस्तों, इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं कि अगर आपका शौक है, आपका अरमान है, आपका जुनून है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सर, एम कुमार सर, सिर्फ आपको 5 महीना या तो 4 महीना, अगर ज़्यादा आपका शौक है कि मैं इंग्लिश सीखूँ, तो 3 महीना से 4 महीना में आपको इंग्लिश सिखा देंगे, मेरी गारंटी है. क्योंकि मैं ही उसके साथ उनके ट्यूशन में पढ़ता हूँ, और सिर्फ 2 महीना से. और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे बहुत हद तक बोलने आ गया. मैं डरता था किसी से बात करने में या इंग्लिश, लेकिन मैं जब इंग्लिश में बात करता हूँ, बहुत कम ही बात करता हूँ, बहुत सारा गलतियाँ हो जाती, त्रुटियाँ हो जाती है, लेकिन मैं अभी सीखूँगा. अब विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना अच्छा मतलब मैं बोलने लगा इस 2 महीना में, मुझे अपने आप में गर्व फील होता है कि वैसे टीचर से मैं पढ़ता हूँ. थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप इंग्लिश फर्राटेदार इंग्लिश से बोलना शुरू कर दीजिएगा. मैं कुछ इंग्लिश आपको सिखाने नहीं जा रहा हूँ, बस आपको इतना बताने जा रहा हूँ कि आप बोलिएगा कैसे. आप सोचिए, कह रही हो जी मैं तो इंग्लिश का क्लास भी करता हूँ, इंग्लिश पढ़ता भी हूँ, सीख भी जाता हूँ, पर बोल नहीं पाता. यही मेन कारण है कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते. क्यों नहीं बोल पाते हैं? हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे बोलूँ? दोस्तों, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे हौला लैंग्वेज है, बहुत सबसे आसान लैंग्वेज है इंग्लिश. बस एक जुनून बना लीजिए कि मुझे आज सीखना है, मुझे आज से ही इंग्लिश पढ़ना है, आज से इंग्लिश बोलना है. और जिससे भी मिलिए, जैसे आज सुबह उठे हैं, और जिससे भी मिलिए इंग्लिश में ही बात कीजिए, और इंग्लिश में उसे कुछ भी बोलना है इंग्लिश में ही बोलिए. मतलब एक नाटक कीजिए, एक नाटक की तरह अपने अंदर एक उसको बसाइए, और नाटक की तरह उसको मतलब एक नाटक ही कीजिए. आप लोग जानते होइएगा, हाल फिलहाल में मूवीज आया था सुपर 30, जिसमें बताया गया है कि इंग्लिश कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बट कितना अच्छा से वो लोग, कितना आराम से वो इंग्लिश सीख जाता है. बस उसी मूवीज़ की तरह आपको नाटक करना है, और रोज़ इंग्लिश बोलना है. जो भी काम करना है इंग्लिश में करना है, जो भी खरीदना है इंग्लिश में खरीदना है, जहाँ भी जाना है वहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग करना है. और उसके बाद देखिए रिजल्ट, उसके बाद कहिएगा